भैया भाई आज इस श्रद्धांजलि सभा में अपने प्रयागराज के अनेक मूर्धन्य वरिष्ठ नेतागण की उपस्थिति वो स्वास्थ्य मंत्री थे और मैं संस्थागत वित्त मंत्री था। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो छवि कल्याण सिंह जी ने बनाई थी उसकी छाप प्रदेश प्रशासन के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ती थी। यद्यपि वह देव पुरुष होते हैं, उस विशिष्ट श्रेणी के लोगों में से बाबूजी का स्थान है। अस्थियों को लेकर के पर नहीं चलेगा, सभी को बता दे, कोई कार्यकर्ता मंच पर नहीं रहेगा माननीय विधायक सांसद के अलावा। अपने बीच में सिंह जी हमारे हैं, बाबू कल्याण सिंह जी हमारे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राम भक्त बाबू जी हमारे हैं। राम भक्त बाबू जी आनंद जी, हम लोग खुद पीछे हो जाएंगे ना, हम लोग पीछे हो जाएंगे। जगह दे अमर रहे दीपक भाई। बाबू जी की अस्थि कलश पांच जगह में से चार जगह जा चुके हैं। दो बाबू जी की कार्यशील रही थी मलेश्वर और बेटा, वहाँ पे विसर्जन हो गया। बाबू जी का बहुत बड़ा एक सपना था राम मंदिर का, हम पूरा परिवार जाकर अयोध्या में भी सहयोग माता के चरणों में बाबू जी की अस्थियाँ विसर्जित करते आए हैं। और आज हम लोग इलाहाबाद में जाकर 16 तारीख को हम लोग जाएंगे। क्या उनका जो संकल्प जो सपना था मंदिर का उसको लेकर के आगे? देखिए, सपना तो उनका पूरा हो गया। और एक छोटी सी बात बताऊं उनके बारे में, जो क्या सोचते थे आईसीयू में जिस समय थे, उस समय मैंने पूछा बाबूजी कैसे हैं, तो बोले कि मैं जब से मंदिर से आया हूँ तब से मेरे पेट में गैस बन रही है। मैंने सोचा कौन से मंदिर में चले गए हैं, मैंने डॉक्टर से पूछा कहाँ है, बोले कहीं नहीं गए, आईसीयू में है, अच्छी अवस्था में है। इसका मतलब उनके दो सपने थे कि मैं मेरी अर्थी उठे तो भाजपा के झंडे में उठे और राम मंदिर के दर्शन करने के बाद ही मैं दुनिया से जाऊँ। उनके दोनों बातें पूरी हुई। और बाबू जी शरीर से बेशक नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में जो जगह है बाबू जी हमेशा के लिए अमर हैं। और एक बात और बता दूँ, मैंने बाबू जी की चित्र पर माला नहीं डाली, डालूंगा भी, जब वो हमारे बीच में है इसका एहसास होता है। ठीक है, आज प्रयाग में बाबू जी के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम आज आदरणीय राजू भैया जो हमारे कोटा के सांसद भी हैं, पूज्य बाबू जी के सुपुत्र हैं और राजू भैया राजवीर सिंह जी के नाम है लेकिन राजू भैया के नाते से भारत से संबोधित करते हैं, आपके पुत्र और हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री संदीप सिंह जी,
और छोटे पुत्र भी और भाभी जी और सभी परिजन यहाँ पर हमारे मंत्री वर्मा जी भी और सब उस क्षेत्र के भी विधायक और आज यहाँ पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी विधायक आए, सांसद आए और सभी माननीय जो पूर्व मंत्री जो बाबू जी के कैबिनेट का हिस्सा भी थे वो लोग भी आए। और मेरे लिए तो गर्व का विषय है क्योंकि मैं भी राजनीति का व्यक्ति नहीं था, मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का ही एक सिपाही था। और बाबूजी के मतलब यह साहसिक निर्णय से सरकार जाए तो जाए, राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएगी और ढांचा ढहा इसके आधार में सबसे मंदिर बन रहा है। बाबूजी के चरणों में मैं ही नहीं पूरा प्रयागराज जी नहीं पूरा प्रदेश और देश का राम भक्त दुनिया का राम भक्त उनको नमन कर रहा है, अंजलि अर्पित कर रहा है। और मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूँ कि जिस दिन से बाबूजी जब गए, जिस दिन इस धराधाम को छोड़ करके, उस दिन भी जिस प्रकार से जो तिथि थी वो बड़ी पुण्यदायक तिथि, जाना तो दुखदायी हम लोगों के लिए है, उसे माना जाता है। तेरहवीं संस्कार में भी मैं गांव अतरौली गया था और वहां पर भी मैं देख रहा था वर्षा हो रही थी, अभी अस्थि विसर्जन कर रहा था तब भी वर्षा हो रही थी। मुझे ऐसा, ये देव पुरुष थे, धरती पर अपनी लीला करने के लिए आए थे और उन्होंने एक जन्म में 1000 जन्म का काम करके और एक हम सबको के लिए एक रास्ता, एक आदर्श मार्ग बना के दिया है। बाबूजी के सपने निश्चित तौर से पूरे हुए हैं, लेकिन उनके जो भी अधूरे सपने हैं सब लोग चर्चा करके उसको भी पूरा करें। मान लीजिए सवाल।